ये है इधर सेल्फी पॉइंट, यहाँ से सेल्फी ले सकते आप, और हम बाद मिलेंगे सेल्फी आ जाओ। भुंतर एयरपोर्ट दिख रहा है यहाँ से, वो सामने मेरे भुंतर एयरपोर्ट। हाउ भाई यार, यहाँ माइक ने मुझे एक बार फिर से धोखा दे दिया। इस फुटेज को रिकॉर्ड करने से पहले मतलब मैं पूरा चेक कर लिया कि मेरे भाई माइक मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चेक किया, रिकॉर्ड कर रहा है, मैं क्या ओके है जी। जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दी, मैं कहा चलो हो रही होगी वॉइस में रिकॉर्ड, तो भाई इसने मेरा प्रॉपर्टी बना दिया। तो भाई ये जो जगह है ना, जहाँ से भी हम आ रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड देवदार के पेड़ लगाए ना, क्या मस्त जगह दिख रही है भाई, एकदम अल्टीमेट जगह दिख रही है। दिख रही है, हैवी अल्टीमेट। ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं हम ऊपर, यहाँ एकदम मस्त, एकदम कोजी कोजी हवा चली है, जो कि इस जगह पे और इस जो खूबसूरत जो दृश्य आपको पीछे दिखेगा भी भाई, इस पे तो चार चांद लगा देता है, जो ठंडी ठंडी हवा चलती है भाई। ये देखो क्या अल्टीमेट जगह है भाई, जब भी जाओ अच्छा ही फील करोगे आप यहाँ आके। इस साइड भी बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चली थी। यहाँ बैठे थे हम, जो हमने 3 किलो वाटर मेलन आया था ना, वो निपटा दिया था यहाँ बैठ के। तो भाई फिर वाटर मेलन निपटाने के बाद मैं कहा चलो अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर किया जाए, तो कैमरा मैन थोड़ा आगे चले हुए हैं, मैं कहा चलो मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मैं कहा चलो रिकॉर्ड हो ही रहा होगा, रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही होगी, तो अच्छे से सब कुछ हो रहा था। तो फिर जैसे सीढ़ियों पर चढ़ी, तो भाई जैसे जैसे मैं इसके नज़दीक जा रहा था ना, कुछ अच्छी सी वाइब आ रही थी हमें, तो अच्छा लगा यहाँ जाके। तो फिर यहाँ हर चीज़ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं हर जगह, कि मतलब भाई कहाँ से आपने क्या करना है। तो मैं क्या चलो अच्छा है, इस साइड भी थोड़ी गार्डनिंग की हुई है। तो ये मेरे को कैमरा मैन बोल के भाई इसको घुमाओ, मैं क्या भाई नहीं घुमा सकते इसको, मैं जूते लगाए हैं, क्या पता जूते के साथ इसको घुमाते या नहीं घुमाते, मेरे को नहीं पता भाई, कुछ बवाल ना हो जाए बाद में। ये हमारा राउंड अप पूरा हो चुका है यहाँ, तो इससे आगे वॉइस रिकॉर्ड हो चुकी है, तो अब आप इंजॉय करिए वीडियो। शाड़ा भाई मोनेस्ट्री भाई, अंदर जाके जो फील हुआ वो कुछ अलग ही टाइप का फील था। तो जैसे कि हम बाहर से अंदर गए, 3 किलो वाटर मेलन निपटाने के बाद अंदर गए, और अंदर जाने के बाद भाई अंदर जो फील आया ना, क्या गजब का भी नहीं था यार, अभी क्या गजब की फीलिंग थी यार, मज़ा आ गया। हो सकता है हमारी बॉडी बाहर गर्म थी, जैसे हम अंदर गए तो अंदर हमें थोड़ा सा ठंडा फील हो गया कुछ। तो भाई अब थोड़ा सा अभी मौसम ख़राब हो गया है, फिर चलना पड़ेगा रूम की तरफ, क्योंकि मैंने कपड़े धो के रखे, वो भीग ना जाए। तो फिर चलते हैं
ब्लॉग अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है जी, अब मिलते हैं हम दूसरे ब्लॉग में जो कि बहुत ही अच्छा ब्लॉग होगा। कहाँ का होगा वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का बता देंगे।